हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए खराद के डिज़ाइन लेकर आया हूँ। पाए में खराद कैसे कराई जाती है और कैसे करवानी होती है, पावे की डिटेल के बारे में बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के घंटे को दबा देना और लाइक करना, कमेंट करके भी बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है, ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आइए बताता हूँ आपको इसके बारे में। ये मैंने डिज़ाइन अपनी पसंद का करवाया है भाई से बोलकर। आप भी अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन हो तो बना सकते हो और उनसे बोलकर भी बनवा सकते हो कि भाई इस तरह का डिज़ाइन चाहिए हमें। और इस भाई ने बहुत ही शानदार डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही सफाई पर। और सबसे पहली बात तो ये है, अगर लकड़ी साफ हो, रेशेदार हो, कहीं गांठ ना हो, कहीं फटी हुई ना हो, तो सफाई बहुत आएगी इस लकड़ी में। आप देख सकते हो कितनी रेशेदार लकड़ी है। और रोएडे की लकड़ी के भी आप पावे बना सकते हो। रोएडे की लकड़ी वजन में कम होती है और शीशम की ज़्यादा होती है। मैंने इसकी मोटाई 3 इंच 2 सूत रखाई है। ज़्यादातर पावे 3 इंच में ही मिलते हैं। और कहीं अगर आप कहेंगे नहीं तो ज़्यादातर आपको 3 इंच में ही पावे मिलेंगे बने बनाए। अगर अच्छा मजबूत चारपाई बनाना है तो कम से कम 3 इंच 2 सूत का शीशम में होना चाहिए। अगर रोएडे की लकड़ी के पावे तैयार करवा रहे हो तो कम से कम 3 इंच 4 सूत होना चाहिए। अगर आप 3 इंच 6 सूत के रोएडे की लकड़ी में बनवाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपके पास लकड़ी कम होती है तो कम से कम रोएडे में 3 इंच 4 सूत की होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो लकड़ी नरम होती है, सिलाई में पावा फटने का चांस होता है, इसलिए वजन कम होता है और नरम मुलायम होती है, नरम होती है। और शीशम की जो लकड़ी है वो काफ़ी मजबूत होती है दोस्तों, इसलिए आप उनसे बोलकर भी करवा सकते हो। और ऊपर का जो शीरा है मैंने इसमें ये 7 इंच रखवाया है, ये नॉर्मल है। कभी कभी वो खराद वाले भाई ऊपर का जो शीरा है कम कर देते हैं। कहीं कहीं पर खराद करने वालों को पता नहीं होती, सफाई नहीं करते हैं, पूरी सफाई के साथ खराद नहीं करते हैं। मैंने पहले मार्केट में ट्राई किया है, सबसे अच्छी साफ और खराद कौन करता है, इसके बाद ही मैं इनके पास लेकर गया हूँ। तो इन्होंने बहुत ही सफाई के साथ खराद किया है दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हो। और मैंने जो ऊपर का जो शीरा है इसमें डिजाइन अगर बनाना है तो कम से कम 8 इंच होना चाहिए। मैंने ये 7 इंच करवाया है क्योंकि इस पावे की लंबाई थोड़ी कम थी और पावे की लंबाई 19 इंच से लेकर के 23 इंच तक करवा सकते हो। इस पावे की लंबाई जो है 19 इंच 4 सूत है, इसलिए मैंने ऊपर का जो शीरा है 7 इंच ही रखवाया है। और नॉर्मल चारपाई के जो पावे होते हैं वो 21 इंच के ही होते हैं। तो दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पावे में आगे खुदाई का डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाऊंगा क्योंकि ये लकड़ी मेरे पसंद की है दोस्तों, और इस तरह की लकड़ी बहुत कम मिलती है। इसकी प्राइस मैंने दिया है 1200 रुपये। और आपके एरिया में क्या प्राइस होगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कौन सी लकड़ी के पावे तैयार होते हैं ये भी ज़रूर बताइए दोस्तों। और इससे कोई अच्छा डिज़ाइन आपके पास है तो ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट करके। ये पावा तैयार हो चुका है तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।